चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी, आ रही आवाज़। डॉक्टर सदाम और डॉक्टर सईद कहते हैं, आ रही आवाज़ उन पे। ओके जी, तो हम लोग जो है ना वो जनरल एम्ब्रियोलॉजी देख रहे थे, तो उसमें हमने कुछ नौ लेक्चर देखे जनरल एम्ब्रियोलॉजी के, बड़ा डिटेल में हमने उसको पढ़ा। आज जो है ना हम उसके बाद डिवेलपमेंट ऑफ हार्ट देखते हैं कि जो हार्ट की डिवेलपमेंट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो कैसे डिवेलप होता है एम्ब्रियोलॉजी में। तो थोड़ा सा देखें इसके बारे में, जो एक एमसीक्यूज है सिंपल सी डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हार्ट इज़ द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्राइज दैट डेवलप इन द फीटस। तो वो पूछ सकता है कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन वो कौन सा है जो वर्टिब्रा में जब फीटस बन रहा होता है, तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डिवेलप होता है, और कौन सबसे पहला ऑर्गन फंक्शनल ऑर्गन है। फंक्शनल ऑर्गन मतलब पहला ऑर्गन वो कौन सा है जो सबसे पहले काम करना शुरू करता है, दैट इज़ योर हार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और दूसरी वो कहता है कि जो हार्ट की डेवलपमेंट होती है वो थर्ड वीक में स्टार्ट होती है। किस वीक में? थर्ड वीक में स्टार्ट होती है, और जब फोर वीक होता है तो उसमें आपका हार्ट स्पोंटेनियसली बीट करना शुरू कर देता है, धड़कना शुरू कर देता है दिल, है दिल जो है ना वो चौथे ही हफ्ते धड़कना शुरू कर देता है, तीसरे हफ्ते बनना शुरू होता है और चौथे हफ्ते धड़कना शुरू कर देता है। एक हफ्ते के अंदर ही काम हो गया डॉक्टर यामिनी चट्टा साहब, एक हफ्ते के अंदर ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है, हैं? यही चीज़ें तो आजकल के नौजवानों को खा जाती है कि एक हफ्ता जो है ना मिले और अगले हफ्ते धड़कना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से आपने जो है ना इसको याद रखना है, सही है, इसी तरीके से आपने इसको याद रखना है कि ये मतलब इसे आपको याद रहेगा। इसलिए मैंने एक तरीका आपको बताया है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि ये थर्ड वीक में जो है ना बनना शुरू होता है और फोर्थ वीक में ये धड़कना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपको याद रहेगा कि एक हफ्ते के अंदर धड़कना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखें, ये तो उसकी एमसीक्यूज थी, अब ये डेवलप कैसे होता है एम्ब्रियो में, ये देखें। देखें, हमने कहा था कि जब ब्लास्टोला बनता है, अब मैं सारी एम्ब्रियो रिवाइज नहीं कराने लगा, यूट्रस के अंदर जब ब्लास्टोला बनता है तो ब्लास्टोला के कुछ आउटर सेल मास होते हैं, है ना, और कुछ यहाँ पर इनर सेल मास होते थे, और ये बाकी क्या थी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये जो इनर सेल मास है ये क्या बनाते थे, ये वाला इनर सेल मास ये बनाते थे एम्ब्रियोब्लास्ट, याद करें थोड़ा थोड़ा, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब इस एम्ब्रियोब्लास्ट से बाइलेमिनर डिस्क बनती थी, है ना, जिसमें आपकी एक आती थी एपिब्लास्ट और दूसरी आती थी हैपोब्लास्ट। अब एपिब्लास्ट से मजीद तीन लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और तीसरी कौन सी थी, एक्टोडर्म। अब आपका जो हार्ट होता है वो मेसोडर्म से बनता है, कैसे बनता है, मेसोडर्म से। अब हमने कहा था मेसोडर्म की भी मजीद दो लेयर्स होती है, बल्कि तीन लेयर्स होती है मेसोडर्म की, कितनी लेयर्स होती हैं, तीन। एक पेरेक्सियल थी, पेरेक्सियल मेसोडर्म, दूसरी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और तीसरी लेटरल मेसोडर्म। भाई याद आ रहा है पीछे वाला सारा स्केच है। अब लेटरल हमने कहा, फिर लेटरल मेसोडर्म की फिर दो लेयर, एक आउटर सोमैटिक लेयर और इनर इनर स्प्लेनिक लेयर थी, इनर स्प्लेनिक लेयर। अब जो आपका हार्ट है वो बेसिकली स्प्लेनिक लेयर से बनता है, दैट्स इट, जो चीज़ मेन याद रखनी है। फिर सुन लें हमने कहा कि जी ब्लास्टोला है, सही है, ब्लास्टोला है, ठीक है। अब ब्लास्टोला का जो इनर सेल मास है उससे एम्ब्रियोब्लास्ट बनता है, ठीक है। जिसने एम्ब्रियोलॉजी के CVS पढ़ने से पहले जिसने एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे जनरल एम्ब्रियोलॉजी के, तो हम उनको रिकमेंड करेंगे पहले वो जनरल एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बड़ा अच्छा समझ आएगा। जिसने नहीं देखे उसके लिए ये है कि ब्लास्टोला में आउटर सेल मास होता है ये वाला, फिर इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास आगे डिवेलप होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट में, फिर एम्ब्रियोब्लास्ट आगे डिवेलप होती है बाइलेमिनर डिस्क में। बाइलेमिनर डिस्क का मतलब होता है दो लेयर्स, आउटर एपिब्लास्ट और नीचे वाली हैपोब्लास्ट। अब एपिब्लास्ट मजीद तीन लेयर्स बनाती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो मेसोडर्म होती है इससे आपका दिल बनता है। अब मेसोडर्म की मजीद तीन लेयर्स होती है वैसे, एक पेरेक्सियल मेसोडर्म, एक इंटरमीडिएट मेसोडर्म और एक लेटरल मेसोडर्म। फिर लेटरल मेसोडर्म जो होती है उसकी मजीद दो लेयर्स होती है, सोमैटिक लेटरल मेसोडर्म और होती है स्प्लेनिक लेटरल मेसोडर्म। जो आपका हार्ट होता है बेसिकली ये स्प्लेनिक लेटरल मेसोडर्म से बनता होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लें, ये वाली डायग्राम देखें, ये हमारे पास सबसे आउटर वाली क्या है, एक्टोडर्म, और सबसे इनर वाली एंडोडर्म। तो बीच में ये जो रेड वाली है ये क्या कहलाती है आपकी, मेसोडर्म। ये तीन लेयर्स। अब मेसोडर्म की मैंने कहा मजीद तीन लेयर्स होती है, मजीद तीन पार्ट्स होते हैं उसके, ये सबसे अंदर वाला
पैराक्सियल मेसोडर्म, ये बीच वाला इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और ये वाला सारा ये लैटरल मेसोडर्म। तो इधर सेम ये पैराक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और ये वाला सारा लैटरल मेसोडर्म। फिर हमने कहा लैटरल मेसोडर्म की फिर दो लेयर्स होती है, एक ये लेयर और एक ये लेयर। तो ये लैटरल है ना सारा, उसकी दो लेयर्स है, एक ये वाली बाहर वाली लेयर दैट इज कॉल्ड सोमैटिक लैटरल मेसोडर्म, और ये अंदर वाली दैट इज कॉल्ड स्प्लेनिक लैटरल मेसोडर्म। और हार्ट कैसे बनता है? स्प्लेनिक लैटरल मेसोडर्म से बनता है। तो ये वाला पीछे वाला सारा स्केच सारा समझ आ गया, पक्की बात है। अब मैं आगे मूव करूँ, चले अब मैं आपको जरा रीडिंग करा दूँ इसकी, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ, ठीक है। तो देखें, हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्राइट दैट डिवाइड्स इन द फीट, ये तो हो गया। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टुला डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियोब्लास्ट दैट फॉर्म्स द बाइलैमिनर डिस्क, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। बाइलैमिनर डिस्क ट्रांसफॉर्म्स इनटू ट्राइलैमिनर डिस्क, ट्राइलैमिनर डिस्क कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इसके हम दो तरह की व्यू देखते हैं, एक हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे हार्ट का, और दूसरा हम देखेंगे सैजिटल सेक्शन, ठीक है। दोनों में चीजें एक तरह से हो रही होती है, लेकिन बस वो व्यू में फर्क आता है कि उसका व्यू उस वक्त कैसे नजर। अब अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो मेसोडर्म के थ्री पार्ट्स होते हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला आपका सेक्शन कौन सा है जो मैंने पढ़ा दिया क्रॉस सेक्शन, कि एक पैराक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लैटरल मेसोडर्म होती है। लैटरल मेसोडर्म के फिर दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक लेयर और स्प्लेनिक लेयर। हार्ट ट्यूब डिवेलप्स फ्रॉम द स्प्लेनिक लेयर ऑफ द लैटरल मेसोडर्म, ठीक है, समझ आ गई यहां तक। अब हम देखते हैं कि अब हमने ये तो कह दिया, हमने क्या कह दिया कि हार्ट जो है ना स्प्लेनिक लेयर ऑफ मेसोडर्म से बनता है, लेकिन बनता कैसे है भाई? पूरा हम प्रोसेस अभी देखेंगे, कंप्लीट प्रोसेस, कि कैसे वो वीक थ्री से चीजें स्टार्ट होती हैं और कैसे जाके वो बनती हैं और कैसे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखें जी, वीक थ्री पे क्या होता है, सबसे पहले बनती है हार्ट ट्यूब। क्या बनती है? हार्ट ट्यूब, इस तरह की सिंपल ट्यूब होती है ऐसे। फिर उस ट्यूब से हमने मुकम्मल क्या बनाना है? दिल बनाना है। तो वो कैसे बनता है? हार्ट ट्यूब डिवेलप फ्रॉम द स्प्लेनिक लेयर, ये स्प्लेनिक लेयर से बनती है। अब कैसे बनती है ये देखें, इस डायग्राम में फोकस करना है आपने, सही है। अब होता क्या कि सबसे पहले आपकी ये एंडोडर्म, ग्रीन वाली एंडोडर्म, ब्लू वाली क्या है एक्टोडर्म, और रेड वाली क्या है मेसोडर्म। अब जो आपकी एंडोडर्म है, इससे कुछ ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। एंडोडर्म रिलीज करती है वैस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स, ये रिलीज करती है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, ये रिलीज करती है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ये जाते हैं मेसोडर्म के पास, मेसोडर्म की किस लेयर के पास? सोमैटिक लेयर के पास, सही है, सोमैटिक लेयर, सॉरी स्प्लेनिक लेयर के पास, स्प्लेनिक लेयर के पास। और स्प्लेनिक लेयर के पास जब जाते हैं, तो पहले ये वाली चीज देख लें, ये वाली, जब मेसोडर्म की स्प्लेनिक लेयर के पास जाते हैं, तो ये मेसोडर्म है, लेट्स सपोज दैट ये मेसोडर्म है, इस तरह मेसोडर्म है। तो इसको ये दो तरह की पार्टीशन कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और मेसोडर्म दो तरह की पार्टीशन देती है, अंदर से ऐसे, ये बाहर वाला पार्ट लेना, ये वाला लाइनिंग, आउटर लाइनिंग। इससे वो बना देते हैं एंजियोब्लास्ट, क्या बना देते हैं? एंजियोब्लास्ट। और ये जो एंजियोब्लास्ट आउटर वाला है, इसको एंजियोब्लास्ट, फिर अंदर एक और हिस्सा बना देते हैं इस तरह का मेसोडर्म के अंदर, इसको बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट, क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट। अब बाहर क्या हो गया? एंजियोब्लास्ट, अंदर क्या हो गया? हीमोसाइटोब्लास्ट। जो एंजियोब्लास्ट है, इस नाम खुद बता रहा है, इससे आपकी ब्लड वेसल्स बनती हैं, प्लस आपका क्या बनता है? हार्ट बनता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। और जो अंदर आपका क्या है? हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट से आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, क्या बनते हैं? ब्लड सेल्स बनते हैं। तो पहले ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज देखें, दूसरा फिर क्या होता है इसके साथ? दूसरा ये होता है कि यही वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो एंडोडर्म ने रिलीज किए, ये लैटरल मेसोडर्म से दूसरा काम कराते हैं। दूसरा काम क्या कराते हैं? बेसिकली ये एंजियोब्लास्ट से ही दूसरा काम कराते हैं। अब देखें, हमने कहा कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए, उसने मेसोडर्म की एंजियोब्लास्ट बना दी और हीमोसाइटोब्लास्ट। एंजियोब्लास्ट से क्या बनेगा? ब्लड वेसल्स और हार्ट। और हीमोसाइटोब्लास्ट से क्या बनेंगे? ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स हमारा काम नहीं है, हम सीवीएस अरेंज कर रहे हैं, तो हमने सीवीएस को देखना, तो हमने एंजियोब्लास्ट को पकड़ना है। किसको? एंजियोब्लास्ट को। और एंजियोब्लास्ट में हम हार्ट की डेवलपमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब यही वैस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स इसी एंजियोब्लास्ट को बोलेंगे, और एंजियोब्लास्ट को डिफरेंशिएट करके दो चीजें बनाएंगे। इधर देखें, एक चीज क्या बनेगी? आपकी हार्ट ट्यूब बन जाएगी इस तरह की, और एक आपकी पेरिकार्डियल कैविटी बन जाएगी इस तरह की, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? अब इससे अगला स्टेप देखें। इससे अगला स्टेप होता है लैटरल फोल्डिंग का। अगला स्टेप क्या होता है? लैटरल फोल्डिंग। अब ये सारी चीजें फोल्ड करेंगी,
ये लैटरल एंड, ये भी लैटरल एंड, ये लैटरल एंड है ना, ये लैटरल एंड, तो ये एंडोडर्म का लैटरल एंड। ये लैटरल एंड क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, ये इस तरफ ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, एक्टोडर्म मिल जाएगी ऐसे। इसी तरह मेसोडर्म आएगी और मेसोडर्म मिल जाएगी आपस में, तो आपकी जो एक्टोडर्म है वो भी ऐसे मिल जाएगी आपस में, जो मेसोडर्म है वो भी आपस में ऐसे मिल जाएगी। और आपकी इधर भी तो एक पेरिकार्डियल कैविटी है, इधर भी एक पेरिकार्डियल कैविटी है, इधर भी एक हार्ट ट्यूब है, इधर भी एक हार्ट ट्यूब है, तो पेरिकार्डियल कैविटी भी इधर ऐसे ऐसे आएगी और दोनों पेरिकार्डियल कैविटी आपस में मिल जाएंगी और एक पेरिकार्डियल कैविटी बन जाएगी। समझ आ रही है? और इसी तरह हार्ट ट्यूब ये भी ऐसे आएंगी, इस तरफ आएंगी और दोनों मिलेंगी आपस में और एक हार्ट ट्यूब बन जाएगी। तो पहले दो हार्ट ट्यूब थी, दो पेरिकार्डियल कैविटी थी, अब एक ही हार्ट ट्यूब बन जाएगी, एक ही पेरिकार्डियल कैविटी बन जाएगी। समझ आ रही है? तो ये वो लैटरल फोल्डिंग है, देखिए इसमें ये बैर वाली एक्टोडर्म सही है, और ये आपकी मेसोडर्म, मेसोडर्म के बाद ये देखें, ये एक हार्ट ट्यूब बन गई, ये देखें एक हार्ट ट्यूब बन गई, दोनों हार्ट ट्यूब मिली, और ये वाली सारी एक पेरिकार्डियल कैविटी बन गई। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आपकी ये जो पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट ट्यूब है, ये मेसोडर्म का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल मेसोडर्म। इसके जरिए ये आपकी मेसोडर्म के साथ जुड़ी होती है, ऐसे हार्ट ट्यूब मेसोडर्म के साथ डॉर्सल मेसोडर्म के जरिए जुड़ी होती है। मीजोकार्डियम, इसका नाम होता है डॉर्सल मीजोकार्डियम। तो ये डॉर्सल मीजोकार्डियम जो है ना, कनेक्ट करता है हार्ट ट्यूब को पेरिकार्डियल कैविटी के साथ। किसके साथ? ये हार्ट ट्यूब, ये पेरिकार्डियल कैविटी, इसके साथ डॉर्सल मीजोडर्म के जरिए आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गई है? अब आगे देखिए, हार्ट ट्यूब की लेयर्स। अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी बनी है और हार्ट ट्यूब बनी है, अब मैं इस हार्ट ट्यूब को बाहर निकाल रहा हूँ सिर्फ, और जूम इन कर रहा हूँ। ये मैंने हार्ट ट्यूब उठाई और ये मैंने रख दी। तो ये बाहर वाली आपकी क्या है, ये वाली, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये वाली पेरिकार्डियल कैविटी, और ये मैंने क्या उठा लिया, हार्ट ट्यूब, इसको मैंने जूम इन किया। जब मैं इसको जूम इन करता हूँ तो इसकी दो लेयर्स आती हैं। कितनी लेयर आती हैं? दो। एक ही अंदर वाली देखें, रेड वाली नज़र आ रही है, ये अंदर, इसको बोलते हैं इनर लेयर। इसको क्या बोलते हैं? ये डिफ्रेंशिएट होकर एंडोकार्डियम बना देती है। ओ माई गॉड, हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। तो ये क्या बना देती है? एंडोकार्डियम बना देती है। फिर इसके बाहर ये ब्लू वाली, ये नजर आ रही है, ये ब्लू वाली लेयर आउटर लेयर कराती है। ये डिफरेंशिएट होके मायोकार्डियम बना देती है। मायोकार्डियम के अंदर क्या होते हैं? कार्डियोमायोसाइट्स, मायोकार्डियम सेल्स होती है, कार्डियोमायोसाइट्स। अब जो मायोकार्डियम के अंदर कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं, किसके अंदर? अब वो कार्डियोमायोसाइट्स क्या करते हैं, एक जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू रिलीज करते हैं, जो आके अकोमोलेट करता है आपकी एंडोडर्म और एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में। ये वाला, ये बीच वाली नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो इस कलर में है, इधर आके क्या करता है, ये अकोमोलेट करता है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक जेली। क्या बोलते हैं? कार्डियक जेली। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, ये हार्ट का क्रॉस सेक्शन था। क्या था? क्रॉस सेक्शन था। ठीक है, अब आप इसी हार्ट का सेजिटल सेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? सेजिटल सेक्शन। काम सारा सेम हो रहा होगा, फिजियोलॉजी सारी सेम, लेकिन व्यू अलग होगा। मैं इसको एक सेकंड रिवाइज करके इसकी रीडिंग करा दूं, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, फिर आगे मूव करता हूँ। देखें, सबसे पहले क्या हुआ, एंडोडर्म से वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए, मेसोडर्म के पास गए और मेसोडर्म को कहा कि आउटर एंजियोब्लास्ट बना दो, जिससे ब्लड वेसल्स और हार्ट बनना है, और अंदर क्या बना दिया, हीमोसाइटोब्लास्ट, जिससे आपके ब्लड सेल्स बन रहे। हमने फोकस करना है एंजियोब्लास्ट को, और एंजियोब्लास्ट से हमने हार्ट बनाना है। अब क्या हुआ, अब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने एंजियोब्लास्ट को बोला कि आप जो है ना, एक हार्ट ट्यूब बना दें और एक पेरिकार्डियल कैविटी बना दें। ठीक है, फिर लैटरल फोल्डिंग हुई कि जो लैटरल एंड थे वो मिलेंगे आपस में। तो मेसोडर्म मिल गई, एक्टोडर्म मिल गई, मेसोडर्म मिल गई, दो हार्ट ट्यूब मिली, एक हार्ट ट्यूब बनी, दो पेरिकार्डियल कैविटी मिली, एक पेरिकार्डियल कैविटी बनी, और ये हार्ट ट्यूब पेरिकार्डियल कैविटी के जरिए किसके साथ कनेक्ट है, डॉर्सल मेसोकार्डियम के जरिए कनेक्ट है। फिर हमने कहा कि हार्ट ट्यूब की तीन दो लेयर्स हैं, अंदर वाली एंडोकार्डियम बनाती है, आउटर वाली मायोकार्डियम बनाती है। फिर मायोकार्डियम क्या सीक्रेट करती है, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक जेली। समझ आ गई है? और ये आपकी ये वाली जो, ये वही हो गया आपका, ये आपकी डॉर्सल मेसोकार्डियम होगी, ये वाली जो लेयर रेड वाली आ रही है, और ये आपकी क्या होगी, पेरिकार्डियल कैविटी होगी। सही है? तो मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लेंगे, वही वही चीज़ें लिखी हुई जो मैंने बताई हैं। सही है, सेम बिल्कुल लिखा हुआ है, कुछ मुश्किल होता तो मैं रीडिंग करा देता। उसके बाद अब इसी चीज़ को हम देखते हैं सेजिटल सेक्शन में। किसमें? सेम चीज़ यहाँ पर हो रही होगी, लेकिन सेजिटल सेक्शन में। देखिए, सेजिटल सेक्शन में हमें एक तरफ से क्रैनियल एंड नजर आएगा, एक तरफ से कॉडल एंड नजर आएगा। देखें,
जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो तो सीख लें, जो ऑनलाइन बैठे हुए उनको नहीं सिखा सकते। आई एम सॉरी, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये कौन सा एंड है? क्रैनियल एंड। ये कौन सा एंड है? कॉडल एंड। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे यहां से ऐसे कट कर दूं, ऐसे ऐसे, तो आपको सिर्फ एक एंड मिलेगा ऊपर वाला क्रैनियल एंड, ठीक है। ये हार्ट है, हार्ट है, मैंने इसको यहां से पकड़ा और यहां अंदर से इसको कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया, तो ये भी लेटरल एंड, ये भी लेटरल एंड, ऊपर वाला क्या है? क्रैनियल एंड। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। मैंने यहां से ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब ये क्रैनियल एंड, ये कॉडल एंड। अब मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे, तो ऊपर वाला क्रैनियल एंड, नीचे वाला कॉडल एंड, तो अब इसको बोलते हैं सैजिटल सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सैजिटल सेक्शन, ठीक है। तो अब हम सैजिटल सेक्शन की बात करेंगे। अब सैजिटल सेक्शन में देखें, ये आपका क्रैनियल एंड और ये आपका कॉडल एंड। क्रॉस सेक्शन में आपके लेटरल एंड्स होते हैं, ठीक है, और सैजिटल एंड में आपके क्रैनियल और कॉडल एंड होते हैं। अब वो कहते हैं आपका जो हार्ट ट्यूब बनती है, हमने कहा ना हार्ट ट्यूब बनती है, मेसोडर्म से बनती है, ये सारी चीजें हमने कहा कि ये जो सारा हो रहा है ये सारा कहां पे होता है? वो कहते हैं क्रैनियल एंड पे होता है। कहां पे होता है? क्रैनियल एंड पे होता है। और क्रैनियल एंड पे सारे देखें मेसोडर्मल सेल्स, जब वो वैस्कुलर इंटेस्टाइनल ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे तो मेसोडर्मल सेल्स स्टार्ट टू एक्युमुलेट इन फ्रंट ऑफ द प्रीकार्डियल प्लेट। याद है ना प्रीकार्डियल प्लेट क्या थी? प्रीकार्डियल प्लेट ये थी कि प्रीकार्डियल प्लेट क्या थी? प्रीकार्डियल प्लेट ये थी कि जो आपका क्रैनियल एंड होता है उधर कुछ सेल्स एक्युमुलेट होते हैं और क्या बना देते हैं? प्रीकार्डियल प्लेट बना देते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स एक्युमुलेट होते हैं और प्रीकार्डियल प्लेट बना देते हैं। अब प्रीकार्डियल प्लेट के सामने मेसोडर्मल सेल्स इकट्ठे होते हैं एट द क्रैनियल एंड, और इसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। कि जो आपका क्रैनियल एंड है उधर बहुत से मेसोडर्मल सेल्स एक्युमुलेट करते हैं और क्या बना देते हैं? कार्डियोजेनिक मेसोडर्म बना देते हैं, ठीक है। अब विच फॉर्म्स द हार्ट ट्यूब, और इससे हार्ट ट्यूब बनती है। तो अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सर जी जो हार्ट ट्यूब बन रही है वो क्रैनियल एंड में बन रही है। कहां बन रही है? जबकि हार्ट तो थोरैक्स में होता है, ये क्या मामला है? फिर वो कहता है कि बेसिकली हार्ट जो ना वो डेवलप आपके क्रैनियल एंड पे होता है। डेवलप बनता कहां पे है? क्रैनियल एंड पे। लेकिन वो मूव्स डाउन होता है टुवर्ड्स द थोरैक्स, और वो मैं आगे आपको जाके पढ़ाता हूं कि कैसे वो मूव डाउन करता है। बनता कहां पे है? क्रैनियल एंड पे। फिर यहां से वो मूव डाउन करके कहां आ जाता है? थोरैक्स में आ जाता है, ठीक है। तो जो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म होता है, बेसिकली कार्डियोजेनिक मेसोडर्म क्या है? कि आपकी जो स्प्लेनिक मेसोडर्म है उसी से ही बनेगी ना कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। वो कहता है जो कार्डियोजेनिक, लेट्स सपोज जो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म है, वो कहता है कार्डियोजेनिक मेसोडर्म किसके जरिए आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिला होता है? दैट इज कॉल्ड बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। याद करें, याद आ रही है जो माउथ बनाती है? मैंने कहा था एक्टोडर्म एंडोडर्म क्रैनियल एंड पे आपस में मिली होती है डायरेक्ट, और एक मेम्ब्रेन बनती है दैट इज कॉल्ड बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, और इससे क्या बनता है? माउथ बनता होता है। याद आया? अब यही बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एक्टोडर्म और एंडोडर्म को भी मिला रही है, और साथ में इसके इस तरफ क्या पड़ा होगा? कार्डियोजेनिक मेसोडर्म, जैसे हार्ट बनना, तो इसके इस तरफ कार्डियोजेनिक मेसोडर्म पड़ी होगी और ये उसके साथ भी कनेक्ट होगी। समझ आ गई है? तो ये आपका सैजिटल सेक्शन। डिड यू गेट द पॉइंट? कैन आई मूव ऑन? वही बात कर रहा है। Endoderm release vascular endothelial growth factors which stimulates the mesoderm to differentiate and forms the heart tubes and pericardial cavity. तो इधर देखें, वो cross section था, ये sagittal section, cranial caudal end, cranial end, cranial end पे बन रहा है ना सारा कुछ। तो ये cranial end पे देखें, endoderm, ectoderm, vascular growth factors आएंगे endoderm से, ये mesoderm के पास जाएंगे, और ये आपकी heart tube और ये आपकी pericardial cavity, ठीक है। sagittal section में आपको दिखा रहा है। उसके बाद उधर कौन सी थी? लैटरल फोल्डिंग, क्योंकि उधर लैटरल एंड्स थे। कौन से एंड्स थे? ये लैटरल एंड्स नहीं है, ये लैटरल एंड, ये लैटरल एंड, लेकिन इधर हमारे पास क्या है? क्रैनियल एंड कॉडल एंड्स। तो फोल्डिंग भी कौन सी होगी? क्रैनियल कॉडल फोल्डिंग। कि उधर जो आपके लैटरल एंड्स थे, ये लैटरल एंड, ये लैटरल एंड, ये आपस में मिल रहे थे, इसको लैटरल फोल्डिंग। अब आपका क्रैनियल एंड और ये कॉडल एंड, अब ये आपस में मिलेंगे, इसको हम क्या क्या बोलेंगे? क्रैनियो कॉडल फोल्डिंग बोलेंगे। और भाई समझ आ रही है कि नहीं? मैं ही बोले जा रहा हूँ, पक्की बात है, देख लो है, गुड हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट क्या होता है? फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग से क्या होगा? फोल्डिंग से ये होगा कि आपकी क्रैनियल एंड कॉडल एंड्स ऑफ द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म स्टार्ट्स फोल्डिंग दैट पुल्स द कॉड। अच्छा, अब देखिए, अब ये कैसे आता है? बनता तो कहाँ पे है? क्रैनियल एंड पे, लेकिन नेक पे कैसे पहुंच जाता है? देखिए, ये ऐसे फोल्ड करेगा, ऐसे क्रैनियल एंड इस तरफ जाएगा ना, और कॉडल एंड इस तरफ। जब ये ऐसे जाएगा तो आपका ये जो चीजें पड़ी हुई है इधर, पहले क्रैनियल एंड पे पड़ी हुई थी, उसको ऊपर से पुश होगा। जैसे ही पुश होगा, पहले मूव करके नेक पे आएंगे, फिर मजीद पुश होगा। जब मजीद पुश होगा तो मूव करके आपके थोरैक्स में आ जाएगी। अब हार्ट ट्यूब कहां पहुंच चुकी है? थोरैक्स में पहुंच चुकी है। समझ आ गई है कि जब फोल्डिंग होगी इधर से
इधर से ऐसे फोल्डिंग होगी तो ये ऊपर से इसको पुश मिलेगा, तो ये क्रेनियल एंड से पहले नेक में आएगी, नेक से फिर थोरैक्स में चलेगी। तो देखिए इसकी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, ठीक है सर, बैठे। तो देखिए, दैट पुल्स द कार्टिलेजिनिक मेसोडर्म टूवर्ड्स द नेक एरिया एंड पुशेस द हार्ट इनटू द थोरैक्स। तो फोल्डिंग मूव्स द हार्ट ट्यूब। अच्छा, एक और चीज भी इसमें होती है। पहली चीज क्या हुई कि ये जो क्रेनियल एंड पे पड़ा हुआ था ये कहाँ आ गया, थोरैक्स में आ गया। दूसरी चीज, अगर अगर ये आपकी, मैं कहता हूँ पेरिकार्डियल कैविटी है, तो इस फोल्डिंग की वजह से आपकी जो हार्ट ट्यूब होती है वो मूव करके पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाती है। हार्ट ट्यूब कहाँ जाती है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाती है मूव करके। पहले अलग अलग थी ना, पहले अलग अलग थी ना, देखें ये अलग हार्ट ट्यूब बनी, अलग पेरिकार्डियल कैविटी बनी, फिर दोनों मिली, ये अलग से आपकी क्या पड़ी हुई है, ये ऐसे मत समझे कि उसके अंदर पड़ी हुई है, ये अलग से पड़ी हुई है और ये अलग से पड़ी हुई है, फिर ये मूव करके इस वक्त क्या होती है, उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब हार्ट ट्यूब किधर है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है, अंदर हार्ट ट्यूब, बाहर पेरिकार्डियल कैविटी, दैट्स इट। हाँ, उसने उसको जोड़ा हुआ है वो उसको मेंटेन। देखें बेसिकली है क्या कि उनका क्वेश्चन है कि जो डॉर्सल मेसोकार्डियम थी उसने उसको जोड़ा हुआ था, वो कहाँ जाएगी, डॉक्टर यार का क्वेश्चन है। देखें, ये मैंने कहा कि लेटरल क्रॉस सेक्शन है, ये सेजिटल सेक्शन है, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही वक्त हो रही होती हैं, दोनों प्रोसेस एक ही टाइम हो रहे होते हैं, लेकिन मैं सेक्शन व्यू अलग करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इसमें अंदर है, इसमें अंदर पहुँच चुकी है, लेकिन ये आपको क्रॉस सेक्शन से दिखा रहा है, और ये जब सेजिटल सेक्शन में दिखाता है तो फिर वो इधर आके बताता है कि कैसे अंदर अंदर जाती कैसे है। सेजिटल सेक्शन में बताता है कि अंदर जाती कैसे है, उधर सिर्फ दिखा रहा है कि अंदर पहुंच चुकी है। जब अंदर पहुंच जाती है तो फिर डॉर्सल मेसोकार्डियम के जरिए, मैं इसीलिए खोल नहीं रहा था, मैंने कहा आपके माइंड से ऊपर ना गुजर जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन आ गया, गुड। अगर आपका माइंड इस तरह उस तरफ खुला हुआ है तो वेरी गुड यार डॉक्टर। तो आ गया समझ। अब हमने हार्ट ट्यूब और पेरिकार्डियल कैविटी दोनों को कहां लाके खड़ा कर दिया भाई, थोरैक्स में, और थोरैक्स में क्या है, बाहर पेरिकार्डियल कैविटी है, अंदर क्या है, हार्ट ट्यूब है। अब देखते हैं कि हार्ट ट्यूब के साथ क्या होता है और पेरिकार्डियल कैविटी के साथ क्या होता है, इससे दिल कैसे बनते हैं। अब हमारे पास ये ऐसे हार्ट ट्यूब है, उसके पेरिकार्डियल कैविटी है, और ये डॉर्सल मेसोकार्डियम के जरिए जुड़ी हुई है। अब इस हार्ट ट्यूब से मुकम्मल एक दिल बनाना है, और वह कैसे बनता है, आइए सीखते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, कुछ जो कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा कोई वीलॉगिंग कर रहे हो, या फिर वो थोड़ा सा न्यूज़ कर रहे हो, तो आइए सीखते हैं, आइए ये करते हैं, चलिए चलिए ये, तो हम भी करते हैं वीलॉगिंग जी, आइए जी चलिए जी, देखते हैं कि दिल कैसे बनता है। तो हार्ट ट्यूब, अब ये जो अंदर हार्ट ट्यूब है इस तरह की, इसको मैंने खोल के इस तरह रख दिया है, इसकी पार्टीशन कर दी है, इधर देखिए इसकी मैंने क्या कर दी है, ये पार्टीशन कर दी है। अब वो कहता है जो हार्ट ट्यूब है उसकी डिवीजन कौन कौन सी हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट से क्या क्या बनता है। अभी ये सिर्फ ये देख लें क्या क्या बनता है, फिर कैसे बनता है आगे बताता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, एक हार्ट ट्यूब है, इसके इर्द गिर्द क्या पड़ी होगी, सारी पेरिकार्डियल कैविटी पड़ी होगी। अब पहले हार्ट ट्यूब को देखें, हार्ट की कुछ डिवीजन होती है, इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला जहां पर एएस लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इओर्टिक सैक, दिस इज कॉल्ड इओर्टिक सैक, और इओर्टिक सैक से बाहर की तरफ दो ब्रांचेस निकलती हैं जो कि लीव आउट करती हैं बाहर की तरफ। इन ब्रांचेस को बोलते हैं डॉर्सल इओर्टिक, डॉर्सल, ये मैं हार्ट ट्यूब को खोल रहा हूं, उसको जूम इन कर रहा हूं कि उसका ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, इओर्टिक सैक, ये बाहर किसके जरिए निकलती है, डॉर्सल एओर्टिक। उसके नीचे आपका होता है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, उसके नीचे क्या होता है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस से आपका पल्मोनरी ट्रंक बनता होता है, और इससे असेंडिंग इओर्टा बनता होता है, क्या बनता होता है, असेंडिंग इओर्टा। अभी सिर्फ देख लें क्या क्या बनता है, कैसे बनता है मैं आगे बताता हूं, ठीक है। ट्रंकस आर्ट्रियोसिस से क्या बनता है, असेंडिंग इओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। फिर नीचे तीसरा हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड बल्बस कॉल्डिस, दिस इज कॉल्ड बल्बस कॉल्डिस, बल्बस कॉल्डिस से बेसिकली आपका थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल भी बनता है और आउटफ्लो ट्रैक भी बनते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के आउटफ्लो ट्रैक भी बनते हैं और राइट वेंट्रिकल भी ऐसे बनता होता है। फिर आपकी प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स, अगला हिस्सा, प्रिमिटिव वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बनते हैं, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल बनता है, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल बनता है। फिर उसके बाद नीचे होता है प्रिमिटिव एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया से क्या बनते होते हैं, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया बनते होते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका साइनस विरोसिस, क्या होता है, साइनस विरोसिस के दो हॉर्न होते हैं, एक होता है राइट हॉर्न ये वाला, एक होता है लेफ्ट हॉर्न ये वाला, ठीक है। अब लेफ्ट हॉर्न हो या राइट हॉर्न हो, तीनों में तीन वेसल्स आके, इसमें तीन वेसल्स खुलती हैं, तीन ब्रांचेस होती हैं,
उन तीनों वेसल्स में जो सबसे आउटर वेसल होती है उसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्डिनल वेन। क्या बोलते हैं? अगर राइट हॉर्न की है तो राइट कॉमन कॉर्डिनल वेन, लेफ्ट हॉर्न की तो लेफ्ट कॉमन कॉर्डिनल वेन। और फिर होती है बीच वाली अम्बिलिकल वेन। बीच वाली कौन सी होती है? अम्बिलिकल। और आउटर वाली होती है विटलाइन वेन। कौन सी होती है? सॉरी, इनर वाली कौन सी होती है? विटलाइन वेन। तो फिर सुन ले इसको, फिर सुन ले कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? एओर्टिक सैक। बाहर किसके जरिए खुलता है ये? डॉर्सल एओर्टा। उसके नीचे है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकर आर्टेरियोसस क्या बनता है? पल्मोनरी ट्रंक एंड सेंडिंग एओर्टा। उसके बाद बल्बस कॉर्डस। इससे आपका मोस्टली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक और राइट वेंट्रिकल भी बनता होता है। प्रीमेटिव वेंट्रिकल, प्रीमेटिव वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स बनेंगे। प्रीमेटिव एट्रिया, एट्रिया बनेंगे। और इसके बाद साइनस विनोसिस। इसके दो हॉर्न होते हैं, राइट हॉर्न एंड लेफ्ट हॉर्न। दोनों से तीन तीन वेसल्स निकलती है, आउटर वाली कॉमन कॉर्डिनल वेन, मिडल वाली अम्बिलिकल वेन और सबसे अंदर वाली विटलाइन वेन, दोनों की। अब ये डिवाइड होगी, राइट राइट है कि लेफ्ट वेन है। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको, इसको रट्टा मार मैं अभी बताता हूँ। हम यहाँ से पकड़ेंगे, इससे ये कैसे बनती है, इससे ये कैसे, इससे ये कैसे, इससे ये कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं जब डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, आराम से कंसेप्ट खुद याद होंगे। तो देखिए एओर्टिक सैक क्या बनाती है, ये वो लिखा हुआ है सारा कुछ जो मैंने अभी बताया है, वही कुछ लिखा हुआ है, और कुछ इसमें खास नहीं है। बस वही सारा वही लिखा हुआ है कि दो हॉर्न होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न। राइट हॉर्न क्या बनाता है? लेफ्ट हॉर्न क्या बनाता है? अच्छा अच्छा, अब इसके बारे में एक और चीज़, ये जो अब और चीज़, ये छः वेन्स हैं। वेन्स का काम होता है ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके आना। तो बेसिकली ये हार्ट ही है ना, अभी बन रहा है ना, तो जो ब्लड है वो इनके जरिए इंटर होता है, इन छह वेन्स वेन्स के जरिए, है ना। ब्लड इन छह वेन्स के जरिए इंटर होता है साइनस विनोसिस में। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लो ट्रैक ऑफ साइनस विनोसिस, है ना। ब्लड यहां से इंटर होता है, साइनस विनोसिस में पहुंचता है, फिर एट्रियम में पहुंचता है, फिर वेंट्रिकल में, फिर बल्बस कॉल्डस में, फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस में, फिर एओर्टिक सैक में, फिर एओर्टिक सैक के जरिए डॉर्सल एओर्टा के जरिए बाहर मूव कर जाता है। तो जब बन रहा होता है उस वक्त ब्लड उसके अंदर कैसे मूव कर रहा होता है, ये उसका प्रोसेस है। ठीक है, समझ आ गई है? तो देखें, वो कहते हैं कॉमन कॉर्डिनल वेन्स आउटसाइड, अम्बिलिकल वेन मिडल वाली एंड द विटलाइन वेन इनसाइड वाले, इंटर इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड हॉर्न्स। दीज वेन्स आर कॉल्ड इनफ्लो ट्रैक्स ऑफ द साइनस विनोसिस। तो ब्लड इंटर्स द हार्ट ट्यूब फ्रॉम इनफ्लो ट्रैक्स, ये वाला ट्रैक इनफ्लो ट्रैक, इनके जरिए इंटर होता है साइनस विनोसिस, फिर प्रीमेटिव एट्रिया, प्रीमेटिव वेंट्रिकल, बल्बस कॉल्डस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, और लीव आउट करता है थ्रू आउटफ्लो ट्रैक। आउटफ्लो ट्रैक कौन से हैं? डॉर्सल एओर्टा, ये वाले, ये आउटफ्लो ट्रैक है, इनसे बाहर मूव करेगा। सही है। अब आगे आगे मूव ऑन करते हैं, आगे देखें। अब होता है कार्डियक लूपिंग। क्या होता है? अब यहां तक समझ आ गया है कि कौन से पार्ट से कौन सी चीज बनेगी। रट्टा लग गया तो वेल एंड गुड, रट्टा नहीं लगा तो बेसिकली सिर्फ इसके पार्ट्स याद कर ले, डिवीजंस के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, उसके नीचे फिर क्या है, उसके नीचे इस तरह, ये आपको पता होना चाहिए तरतीब से, क्योंकि इससे आगे मैं चीजें बनाऊंगा। अब नेक्स्ट चीज है कार्डियक लूपिंग। व्हाट इज कार्डियक लूपिंग? कार्डिंग लूपिंग बेसिकली ये वीक फोर में स्टार्ट होती है। कहाँ पे? वीक फोर में स्टार्ट होती है कार्डिंग लूपिंग। हाँ, ऐसे समझ लें, अभी कार्डिंग लूपिंग स्टार्ट होगी, आपका वीक फोर स्टार्ट होगा अभी कार्डिंग लूपिंग। अब कार्डिंग लूपिंग में बेसिकली क्या होता है? अब वीक फोर स्टार्ट हो गया, वीक थ्री में सारा कुछ होगा। अब कार्डिंग लूपिंग क्या होती है? कार्डिंग लूपिंग होती है कि ये जो आपकी हार्ट ट्यूब है, इसमें दो चीज़ें आती हैं कार्डिंग लूपिंग में। पहली चीज़ कि जो हार्ट ट्यूब है ये हार्ट की शेप में जाएगी। किसकी शेप में जाएगी? ये वाला हार्ट नहीं, वो चार खानों वाला हार्ट है। ये तो एक ही खाना है भाई, इसमें तो एक ही चीज़ रहती है। वैसे इस दिल में क्या रहती है डॉक्टर जुबैर? इस दिल में क्या रहता है? हमसाई रहती है, एक ही खाना है और हमसाई रहती है। चले अपनी बात तो नहीं किया आपने, नहीं की। चले चले छोड़े, तो चले मैं ये नहीं बनाता यार, आपके जाना वो फिर हमसाई बिगड़ जाते हैं। तो ये वाला दिल हमारा, ये वाला कार्डिंग लूपिंग के दौरान आपकी जो हार्ट ट्यूब है वो अपनी शेप चेंज करेगी और हार्ट की शक्ल में आ जाएगी। दूसरा ये कि हार्ट जहां पर भी बन रहा है, बॉडी में जहां पर भी बन रहा है, उसने वहां से मूव करके आपकी लेफ्ट साइड में आना है, थोरेक्स में, लेफ्ट थोरेक्स में आके बैठना है, वहां पर सेट करना है। ये दो चीजें आती हैं कार्डिक लूपिंग में। पहली क्या चीज कि कार्डिक ट्यूब शेप करेगी, हार्ट की शेप में चली जाएगी, और फिर वही चीज जो हार्ट की शेप में चला गया, हार्ट जहां पर भी बना है, बॉडी में जहां पर भी बना, क्रेनलिन से बना, फिर नेक में आया, फिर थोरेक्स में आया, फिर थोरेक्स से मूव करके ये कहां पे आएगा? लेफ्ट थोरेक्स में, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे, जिसकी लोकेशन होती है वहां पर इसने पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक लूपिंग।
अब हम पहले देखते हैं शेप कैसे बनाता है, फिर हम देखते हैं कि मूव कैसे करता है। पहले हम उसकी शेप बना लेते हैं। चलो पहले शेप बनाते हैं जी। शेप कैसे बनती है? चलो जी, सबसे बाहर वाला हिस्सा ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टिक सैक, है ना। और ये जो आउटर निकल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल एओर्टा। अब उसके नीचे हमारा क्या होता है? ट्रंकस आर्टरियोसिस, फिर नीचे बल्बस कल्डोसिस, फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फिर प्रिमिटिव एट्रिया, फिर साइनस विनोसिस, और ये इनफ्लो ट्रैक्ट्स। ठीक है। अब नंबर वन स्टेप पे क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कार्डिक लूपिंग में? जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस है और बल्बस कल्डस है, ये दोनों, ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड बल्बस कल्डस, ये दोनों ये क्या करते हैं? मूव डाउन करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं और राइट की तरफ मूव करते हैं। भाई ये राइट की तरफ मूव कर रहा है ना, वैसे आपको लग रहा है लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये राइट साइड है, क्योंकि आपको पता है ये हम उलट साइड देखते होते हैं। ठीक है, तो ये राइट की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नंबर वन पे ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कल्डस मूव डाउन और टुवर्ड्स द राइट, ये आपका स्टेप वन होता है। ठीक है। अब अच्छा ये देख लें, ड्यूरिंग कार्डिक लूपिंग द हार्ट ट्यूब चेंज इन टू शेप ऑफ हार्ट एंड इट हैपन्स इनसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी, और ये अभी तक पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हो रहा है। कार्डिक लूपिंग बिगिंस इन वीक 4, और कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप क्या है कि ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कल्डस टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स डाउन मूव करेगा। स्टेप टू में वही चीज है, ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कल्डस कीप मूविंग, ये मूव करते रहेंगे राइट की तरफ और डाउन की तरफ। पहली चीज ये मूव करते रहेंगे। दूसरी चीज, जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स होते हैं ये मूव अप एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल ये वाला था ना। अब स्टेप टू में क्या होगा? ये मूव अप एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये देख लें, पहले नीचे था ना, ये बल्बस कल्डस के नीचे था ना, अब इसने क्या किया? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स अप मूव किया इसने। दूसरी चीज पे, अब नंबर थ्री पे प्रिमिटिव एट्रिया। प्रिमिटिव एट्रिया क्या करते हैं? मूव्स बैक, ये अगर पोस्टीरियर व्यू देखें, ये वाला पोस्टीरियर व्यू पीछे की तरफ, मूव्स बैक एंड अपवर्ड, मूव्स बैक एंड अपवर्ड, ये पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, क्योंकि एट्रिया ऊपर की तरफ बनते हैं ना। तो ये क्या करेगा? पीछे की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्टेप वन में क्या हुआ कि ट्रंकस आर्टरियोसिस बल्बस कल्डस राइट और डाउन है। स्टेप टू में क्या हुआ कि ये नीचे आते जाएंगे राइट और डाउन में। प्रिमिटिव वेंट्रिकल इंटीरियर साइड पे राइट लेफ्ट और अप जाएंगे, जो पल्मोनरी एट्रिया ये पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे और अपवर्ड जाएंगे। ठीक है। तो अब आपके हार्ट की जो शेप है वो कुछ इस तरह की बन चुकी है कि ये आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस बल्बस कल्डस प्रिमिटिव वेंट्रिकल और ये प्रिमिटिव एट्रिया जो कि ऊपर की तरफ अभी जा रहे हैं और पोस्टीरियर साइड पे है, और नीचे आपका क्या बन जाएगा? साइनस विनोसिस और ये इनफ्लो ट्रैक्ट्स और ये आउटफ्लो ट्रैक्ट्स। ठीक है, है ना, बन रहा है ना, बड़ी मुस्कुराहट से निकल रही है, दिल की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा बना रहे हैं ना मुस्को। स्टेप थ्री में क्या होता है? स्टेप थ्री में अब ये वाली शक्ल बन जाएगी। कैसे? ये ट्रंकस आर्टरियोसिस था इधर, और जो प्रिमिटिव एट्रिया थे जो पीछे की तरफ ऊपर जा रहे थे, अब ये पीछे की तरफ ऊपर मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं स्टेप थ्री में। अब ये प्रिमिटिव एट्रिया दोनों तरफ, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, ये इन्होंने क्या बनाना है? आपको समझ तो आ गया होगा, एट्रिया बनाने हैं इन्होंने। ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रिया। ये ट्रंकस आर्टरियोसिस प्रिमिटिव एट्रिया प्रिमिटिव एट्रिया, ये यहाँ पे क्या था? बल्बस कल्डोसिस पड़ा हुआ है, और ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट और अपवर्ड जो मूव कर रहा था ये वो पड़ा हुआ है, और नीचे आपके ये दोनों क्या होंगे? साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस, ये आपका लेफ्ट साइनस विनोसिस, ये राइट साइनस विनोसिस, ये राइट हार्ट राइट इनफ्लो ट्रैक्ट्स और ये लेफ्ट इनफ्लो ट्रैक्ट्स। दैट्स इट, इतना सा था। ये आपका क्या था? स्टेप थ्री था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? याद करें मैंने कहा था आपका हार्ट कब स्पोंटेनियसली बीट करता है, कौन से वीक में? फोर्थ वीक में। अब बताता हूं कैसे बीट करता है, ये देखें। अब देखें, सम सेल्स फ्रॉम साइनस विनोसिस, आपका साइनस विनोसिस है ना ये वाला, इसमें से कुछ सेल्स निकलते हैं, और कुछ सेल्स निकलकर आपकी बाहर क्या पड़ी हुई है? पेरिकार्डियल कैविटी ना, पेरिकार्डियल कैविटी में इंटर होते हैं, और पेरिकार्डियल कैविटी में इंटर होकर आपकी जो हार्ट की आउटर लेयर है, दो लेयर्स बन गई थी, एंडोकार्डियम भी बना ली थी, मायोकार्डियम भी बना ली थी, बाहर वाली कौन सी रह गई? एपिकार्डियम, या फिर जिसको हम पेरिटियल पेरिकार्डियम भी बोलते होते हैं, जिसको हम क्या बोलते होते हैं दूसरा नाम उसको क्या होता है? पेरिटियल पेरिकार्डियम, सॉरी नॉट पेरिटियल, विजरल पेरिकार्डियम, विजरल पेरिकार्डियम भी बोलते होते हैं, बल्कि पेरिटियल पेरिकार्डियम तो विजरल पेरिकार्डियम के बाहर पड़ी होती है। तो अब हमने विजरल पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम बनानी है, तो कुछ सेल्स आपके इस साइनस विनोसिस से निकलेंगे और पेरिकार्डियल कैविटी में जाके ये ग्रीन वाली लेयर, ये वाली नजर आ रही है, नजर आ रही है, ये वाले लेयर बना देंगे, दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम विजरल पेरिकार्डियम। और हार्ट की तीनों लेयर्स बन चुकी है, एंडोकार्डियम मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, जिसको हम विजरल पेरिकार्डियम भी बोलते होते हैं। बन गए, पक्की बात है। अब आगे मूव करें, ऐसा ऐसा दिल बनता जा रहा है। अब हार्ट बीट कैसे करता है? साइनस विनोसिस कुछ सेल्स, कुछ सेल्स ने यह काम किया। अब साइनस विनोसिस कुछ और सेल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं?
साइनस विनोसस से कुछ और सेल्स निकलते हैं और वो अंदर जाके आपका जो सारा कंडक्टिव सिस्टम होता है एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस्स राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच वो बना देते हैं। जब ये बनते हैं तो आपका सेल्स ऑटोमेटिक बीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कि वीक 4 टू वीक 6 के दरमियान में आपका जो हार्ट होता है वो क्या करना शुरू कर देता है, बीटिंग स्टार्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड कार्डियक लूपिंग, दिस इज कॉल्ड कार्डियक लूपिंग। कि पहले उस कार्डियक लूपिंग की हमने पहली चीज देखी कि हार्ट अपनी शेप में आ गया, हार्ट अपनी शेप में आ गया। कैसे आया, स्टेप 1 हमने देखा, स्टेप 2 हमने देखा, फिर हमने स्टेप 3 देखा। तो स्टेप 3 में आप देखें ये, और स्टेप 3 के एंड पे आपका हार्ट इस तरह की शक्ल में आ चुका है। तो देखें ऑलमोस्ट हार्ट की शक्ल बन चुकी है और वो बीट भी करना शुरू हो चुका है। अब हार्ट जहां पर भी बना है, डेक्स्ट्रोकार्डिया ये एक डिजीज होती है, जहां पर भी बना है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब एक चीज होती है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट पोलैरिटी, ये डिसाइड करती है कि आपका हार्ट राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये डिसाइड करता है आपका हार्ट राइट साइड पे होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी होगा, और ये डिपेंड करता है एक प्रोटीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डायनेम प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड डायनेम प्रोटीन। डायनेम प्रोटीन का काम होता है ट्रांसपोर्ट में, किसमें, ट्रांसपोर्ट में। अब लेट्स सपोज आपका हार्ट जहां पर भी बना, थोरेक्स में बना, थोरेक्स में बनने के बाद आपने हार्ट, आपके हार्ट ने वहां से मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, क्या करना है, ट्रांसपोर्ट, और कहां जाना है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट थोरेक्स पे जाना है। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि डनल प्रोटीन नॉर्मली बनी, अब हार्ट ने डनल प्रोटीन को यूज किया और ट्रांसपोर्ट करके लेफ्ट साइड में चला गया। अब ये उसकी कार्डियक लूपिंग हो रही है, ये भी कि वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर अगर आपकी जो डनल प्रोटीन है इनमें डिफेक्ट हो, डनल प्रोटीन में ये ना बने, तो ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, आपका हार्ट मूव कर पाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है कि जो हार्ट है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होता, अब उसका जो हार्ट है वो राइट साइड पे होता है, कहां पे होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है, लेफ्ट साइड की बजाय आप कहां पे चला गया, वो राइट साइड पे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर किसी पेशेंट का जो हार्ट है वो लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो आज समझ आ गया डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है। हम कहते हैं ना कि कुछ पेशेंट का दिल जो है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है, वो क्यों होता है राइट साइड पे, इसकी वजह से होता है, डनल प्रोटीन का क्या होता है, डिफेक्ट होता है। अच्छा अच्छा, जिस पेशेंट को डायनेम का डिफेक्ट हो उसको सिर्फ डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं होता, एक और उसको सिंड्रोम होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्टेग्नर सिंड्रोम, या फिर उसको हम साइटस इनवर्सस भी बोलते होते हैं। क्या मतलब है कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपनी अपोजिट साइड पे पड़े होते हैं भाई, खब्बे वाली साइड, सज्जे वाली खब्बे, राइट वाली लेफ्ट, लेफ्ट वाली राइट, हर चीज उलट पड़ी होती है। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रही, डायनेम प्रोटीन ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रही, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्टेग्नर सिंड्रोम, ठीक है। और इसको एक और चीज भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिलरी डिस्क्रेजिया, सीरिया इमोटाइल, मतलब सीरिया मोटाइल नहीं करेंगे और वो मोटालिटी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो इसको हम प्राइमरी सीरिया डिस्क्रेशिया भी बोलते होते हैं, सही है। तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, इसको देखें, इसकी रीडिंग देखें, समझ तो आ गया ना। कार्डिक लूपिंग डिटरमाइंस द लेफ्ट राइट पोलैरिटी ऑफ द हार्ट, हार्ट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड, ये कार्डिक लूपिंग डिफाइन करती है। दिस कार्डिक लूपिंग डिपेंड्स अपॉन द डायनेम प्रोटीन दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट, डिफेक्ट इन डायनेम प्रोटीन्स causes failure in cardiac looping that results in dextrocardia, heart towards right side of the body instead of the left side due to transport problems. It is also associated with Kaltenger syndrome or situs inversus, inversus ulat, ha sab kuch ulat pada hoga, in which all internal organs are opposite side of the body due to transport problems. It is also called primary ciliary dyskinesia, cilia immotile syndrome bhi isko hum bolte hote hain. Samajh aa gaya yahan tak, baki baat hai bas thoda sa septa dekh le yahan tak, फिर हम बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये समझ आ गया यहाँ तक भाई, समझ आ गया कि आपका हार्ट बन चुका है, वो नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच चुका है, नॉर्मल पोजीशन पर ना जाए तो एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब सेप्टा बनते हैं। अब एक चीज कहता है, वो कहता है एक सुलकस होती है प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव एट्रिया के दरमियान में। चलो जी ये देखें, वो कहता है कि जी ये प्रिमिटिव एट्रिया और ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में एक सुलकस होती है, ये वाली सुलकस। अब वो कहता है मैं इस सुलकस को जूम इन करता हूं, इसको खोलता हूं, और इससे आपका क्या बनेगा, सेप्टा बनेगा, क्या बनेगा, सेप्टम, जिसको हम क्या बोलते होते हैं, सेप्टम बोलते होते हैं। अब इससे सेप्टा बनेगा, और सेप्टा क्या होता है बताता हूं। और इस जो सुलकस है जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल और एट्रिया के दरमियान में पड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सुलकस, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल सुलकस। इसको मैंने जूम इन किया, लेट्स सपोज ये वो क्या है, सुलकस है, ये क्या है आपकी, वो सुलकस है, ये वाली सुलकस है। अब सुलकस कुछ इस तरह होती है कि इसका ये वाला हिस्सा, ये मतलब अगर आगे की बात करें, आगे इंटीरियर है, और इसके पीछे की बात करें तो पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा,
आ रहा है ना। तो सुल्कस, सुल्कस का आगे वाला हिस्सा क्या है, इंटीरियर, पीछे वाला हिस्सा क्या है, पोस्टीरियर। अब सुल्कस का नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सुल्कस। अब कुछ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो कि आपके एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था एम्ब्रियो में, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये मूव करके क्या करते हैं, यहां से अंदर दाखिल होते हैं, किसके अंदर, सुल्कस के अंदर। ठीक है, सुल्कस के अंदर ये जब, एक सेकंड, बैटरी डाउन हो रही है, खैर अभी 20% चल जाएगी। खैर, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सुल्कस के अंदर जाते हैं और एक सेप्टम बनाते हैं पोस्टीरियर एंड की तरफ और एक बनाते हैं इंटीरियर एंड की तरफ। ये जो कुशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेसिकली कुशन बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोकार्डियल कुशन। तो जो पोस्टीरियर एंड पे बनेगा वो होगा पोस्टीरियर एंडोकार्डियल कुशन, जो एंटीरियर एंड पे बनेगा वो होगा इंटीरियर एंडोकार्डियल कुशन। तो आपके दो कुशन बन गए, दैट इज पोस्टीरियर एंडोकार्डियल कुशन और एंटीरियर एंडोकार्डियल कुशन। और ये पूरा क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी सुल्कस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका जो पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर एंडोकार्डियल कुशन था, और जो एंटीरियर एंडोकार्डियल कुशन है, वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की तरफ, और आपस में इकट्ठे मिल जाएंगे, आपस में इकट्ठे मिल जाएंगे, तो एक सेप्टम बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम इंटरमीडियम या फिर एंडोकार्डियल कुशन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते होते हैं, एंडोकार्डियल कुशन बोलते होते हैं। अब एंडोकार्डियल कुशन की तरफ, इस तरफ लेफ्ट एवी केनाल, इस तरफ राइट एवी केनाल, ये बेसिकली बना कैसे है, इधर देखें आपको इस डायग्राम पे ये प्रॉपरली समझ आएगा। अभी हमने जो बनाया एंडोकार्डियल कुशन वो ये पड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, एंडोकार्डियल कुशन है। ये बेसिकली ट्यूब होती है, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, ऐसे पीछे की तरफ पड़ी होती है, सही है, पीछे की तरफ, ये उसकी पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड। आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आपकी पोस्टीरियर साइड और ये आपकी एंटीरियर साइड, तो ये एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, ऐसे। तो इधर मैं सिर्फ एंटीरियर साइड दिखा रहा हूँ, ये वाली, तो ये वाली, ये पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड, ऐसे। इसको मैं यहाँ पे मैंने ला के रख दिया, ये है आपका एंडोकार्डियल कुशन, या फिर आपका जो सेप्टम इंटरमीडियम बने, ये मेरे हार्ट के बीच में रखते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे बनता है, बन गया, इसको हम एंडोकार्डियल कुशन बोलते हैं। अब इस एंडोकार्डियल कुशन की तरफ, इसके ऊपर क्या पड़ा होगा, एंडोकार्डियल कुशन के ऊपर की तरफ प्रिमिटिव एट्रिया है ना, और नीचे क्या है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, और ये साइड पे बल्बस कॉर्डस भी पड़ा हुआ है इधर, क्योंकि बल्बस कॉर्डस किस तरफ मूव कर रहा था, टूवर्ड्स डाउन मूव कर रहा था, वो भी इसके नीचे आ जाएगा। आप यही है ना, सुल्कस कहाँ पड़ी हुई थी, देख लें ऊपर, देख लें फिर देख लें, सुल्कस कहाँ पड़ी हुई है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल और एट्रिया के बीच में पड़ी हुई है, तो इन्होंने मूव करके ऊपर चले जाना है, तो प्रिमिटिव एट्रिया ऊपर ऊपर चले जाएगा और प्रिमिटिव वेंट्रिकल नीचे आ जाएगा, और बल्बस कॉर्डस क्यों, ये दोनों नीचे आ रहे थे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये सुल्कस से क्या बन गया आपका, यहाँ पर प्रिमिटिव, सॉरी, सुल्कस से बन गया एंडोकार्डियल कुशन, उसके ऊपर प्रिमिटिव एट्रिया, नीचे बल्बस कॉर्डस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह आपकी क्या बनती है, ये एंडोकार्डियल कुशन। तो एंडोकार्डियल कुशन कैसे बना, समझ आ गया, और उससे जो है ना ये, अच्छा, ये एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल्स, लेकिन इससे दो चीजें बन रही हैं, एंडोकार्डियल कुशन की तरफ एक ये चीज ले लें और एक ये चीज ले लें, इसको हम बोलते हैं राइट एवी कैनाल, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एवी कैनाल, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल और ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, मैं इसकी रीडिंग कर देता हूं, देखें, वो कहते हैं सुल्कस होती है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मूव इनटू हार्ट ट्यूब एंड इनटू सुल्कस, सुल्कस के अंदर जाते हैं, सम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फॉर्म अ कुशन फ्रॉम पोस्टीरियर साइड ऑफ द सुल्कस कॉल्ड पोस्टीरियर एंडोकार्डियल कुशन, ये वाला, एंड सम सेल्स फॉर्म अ कुशन फ्रॉम एंटीरियर साइड कॉल्ड एंटीरियर कुशन, ये वाला, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर सुल्कस कुशंस फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म वन एंडोकार्डियल कुशन दैट इज कॉल्ड सेप्टम इंटरमीडियम, दोनों मिलते हैं और एंडोकार्डियल कुशन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम इंटरमीडियम बोलते हैं। सेप्टम इंटरमीडियम फॉर्म्स एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ, एक लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, एक राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, इसके ऊपर क्या पड़ा होगा, इधर प्रिमिटिव एट्रिया, नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकल एंड बल्बस कॉर्डस, ये वाले डायग्राम के जरिए देख लें, ऑन बोथ साइड्स। कैनाल क्या करती है, कैनाल का काम क्या होता है, ये जो कैनाल मैंने कही है, ये वाली कैनाल और ये वाली कैनाल, इनका काम क्या होता है, दीज कैनाल्स कनेक्ट द एट्रिया विद द वेंट्रिकल्स, है ना, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है ये वाली कैनाल, दैट्स इट। सेप्टम इंटरमीडियम सेपरेट्स द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, और सेप्टम इंटरमीडियम जो है ऊपर कहती है एट्रिया, नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स, उनको अलग अलग कर रही है फ्रॉम वन अनदर, एट्रिया अबव द सेप्टम इंटरमीडियम एंड वेंट्रिकल्स बिलो द सेप्टम इंटरमीडियम। सेप्टम इंटरमीडियम एक और काम करती है, ऑल्सो सेपरेट्स द लेफ्ट कैनाल एंड फ्रॉम राइट कैनाल। देखें सेप्टम इंटरमीडियम कहाँ है, बीच में है, वो कहती है ऊपर वेंट्रिकल्स है, नीचे क्या है, ऊपर एट्रिया है, नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स है। एक काम और करती है, वो कहती है ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है। वो कहते हैं मैं बीच में बैठी हुई हूँ, मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, दरमियान में, ऊपर भी जाओ नीचे भी जाओ, लेफ्ट भी जाओ
राइट भैया मैं चारों को डिवाइड करा रही हूँ, ठीक है। इस तरफ उसने कैनाल बना दिए, लेफ्ट कैनाल राइट कैनाल, ठीक है। तो समझ आ गया ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन। उसके बाद अब इसी एंडोकार्डियल क्वेश्चन से आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बनते हैं। कौन से? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होते हैं राइट और लेफ्ट के, वो कैसे बनते हैं? एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनते हैं। अब एंडोकार्डियल क्वेश्चन क्या करता है? सबसे पहले ये यहां से क्या बना देता है? ये कस्प बना देता है दोनों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो आपके ये कस्प बन जाएंगे वाल्व्स के, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के कस्प बन जाएंगे। फिर कस्प के बाद ये दोनों कस्प आपस में मिला देता है, ये रिंग बना देता है। क्या बना देता है? रिंग। जिसने मेरे से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे ये, आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये रिंग्स कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, अपरेटस होता है ये, वेल्वुलर अपरेटस होता है, कि ये एनुलस रिंग होता है, फिर उसके बाद ये लीफलेट्स होते हैं जो इससे इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इसने पहले क्या बनाया? लीफलेट्स बनाया, फिर क्या बना दिया इसने? एनुलस रिंग बना दिए। फिर एनुलस रिंग के बाद ये क्या बना देगा? कॉर्डिनेट टेंडन। क्या बना देगा? आपको पता है कॉर्डिनेट टेंडन क्या करता है? ये आपके जो लीफलेट्स होते हैं, जो जो कस्प होते हैं, उनको पेपरी मसल के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह आपको क्या बन जाएगा? मुकम्मल है, क्या बन जाएगा आपका? वेल्वुलर अपरेटस बन जाएगा। किससे बना? एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बना। तो एंडोकार्डियल क्वेश्चन से क्या बन रहा है? एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, ये राइट कैनाल ये लेफ्ट कैनाल, और इससे आपके एट्रियो वेंट्रिकल जो वाल्व्स हैं उनका अपरेटस बन रहा है। देखिए लीफलेट्स बनेंगे, फ्लैप्स बनेंगे, एनुलर रिंग बनेगा दैट कनेक्ट्स द फ्लैप्स ऑफ वाल्व्स, तो ये इनको आपस में कनेक्ट करता है ऐसे। उसके बाद कॉर्डिनेट टेंडन डेवलप फ्रॉम द वेल्वुलर, जो ये वेल्वुलर कस्प है, फिर इनसे क्या बनेगा? कॉर्डिनेट टेंडन बन जाएगा ऐसे। उसके बाद वेल्व बिटवीन प्रिमिटिव एट्रिया एंड प्रिमिटिव वेंट्रिकल, या को प्रिमिटिव वेंट्रिकल प्रिमिटिव एट्रिया, इसके बीच में जो वाल्व है वो कौन सा होगा? कौन सा वाल्व होगा बताया मुझे? मिट्रल वाल्व नहीं होगा? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मिट्रल वाल्व होता है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे मिट्रल वाल्व। और प्रिमिटिव एट्रिया और बल्बस कॉल्डस के दरमियान में जो वाल्व होगा दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ट्राइकस्पिड वाल्व बन जाएगा। तो इस तरह आपके एट्रियो वेंट्रिकल क्या बन गए? वाल्व बन गए। समझ आ गई? पक्की बात है। अब आपका हार्ट बना, हमने कहाँ तक बना लिया? हार्ट बनाया, ऊपर प्रिमिटिव एट्रिया, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, बल्बस कॉल्डस, फिर हमने अपरेटस बना दिया, एंडोकार्डियल कुशन बना दिया, इनको सेपरेट कर दिया, और ये आपके वाल्व भी दोनों बन चुके हैं, ठीक है। और तीनों लेयर्स भी बना दिया हमने, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। उससे आगे मूव करें, अब जिस तरह डेक्स्ट्रोकार्डिया था कि अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो डेक्स्ट्रोकार्डिया होती है, कार्डियक लूपिंग में मसला हो। अगर अब इधर आपके ये वाल्व बनने में प्रॉब्लम आ जाए, फिर एक और वाल्व की एबनॉर्मैलिटीज होती है, वो कौन सी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है एप्स्टीन एनोमली, कि जो पेशेंट होता है उसका जो ट्राइकस्पिड वाल्व बनता है वो कुछ अजीब तरह से बनता है। कैसे? ये आपका ऐसे, आपका जो एट्रिया होता है वो बड़ा होता है, जो राइट एट्रिया होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है? छोटा। क्यों? क्योंकि इधर ट्राइकस्पिड वाल्व होना चाहिए ना। जो ट्राइकस्पिड वाल्व के कस्प होते हैं वो नीचे की तरफ हैंग होते हैं, वाल्व जो है ना यहां पे बनना चाहिए था ना, वो यहां पे बनने की बजाय वो नीचे हैंग आउट हो जाता है, नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है। जब वो नीचे की तरफ जाता है तो राइट एट्रिया बड़ा हो जाता है और राइट वेंट्रिकल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसको डिटेल में हम जो है ना कंजेनिटल डिफेक्ट्स में आगे जाके पैथोलॉजी में देखेंगे, अभी बस इतना देख लें। दूसरा होता है ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, केस में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व बनता ही नहीं है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व बनेगा ही नहीं तो इधर तो ये ब्लॉक होगा, तो क्या ये वाला ब्लड नीचे आ पाएगा? नहीं, ब्लड नीचे नहीं जाएगा। और इसी के नतीजे में आपका जब ये राइट वेंट्रिकल काम ही नहीं कर रहा तो राइट वेंट्रिकल छोटा सा होता है, तो ये ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। और फिर इसकी वजह से आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड स्टीनोटिक ब्लॉक्ड वाल्व भी होते हैं और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन लीकी वाल्व भी होते हैं, कि ब्लड लीक आउट होता रहता है, ये भी उसमें हो सकता है। तो ये जो हार्ट जो वाल्व्स हैं उनमें ये वाली एबनॉर्मैलिटीज आती है। तो देखें, पेशेंट्स हैव एबनॉर्मल लो हैंगिंग डाउन ट्राइकस्पिड वाल्व दैट लीड टू स्मॉल राइट वेंट्रिकल एंड ह्यूज राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्राइकस्पिड वाल्व डज नॉट फॉर्म एट ऑल एंड प्रिवेंट्स ब्लड फ्लो। तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता, तो राइट वेंट्रिकल बड़ा छोटा सा होता है, कोई प्रॉपरली काम नहीं करता, और स्टीनोटिक और रिगर्जिटेंट वाल्व भी हो सकते हैं दोनों, तो ये उसमें प्रायमरिटी होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाली चीज, और ये वाल्व कैसे बनते हैं? एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनते होते हैं, ये वाली चीज। उसके बाद डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्डिक लूपिंग कौन से वीक में होती है? वीक फोर में स्टार्ट होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, जो टू मच इंपॉर्टेंट है ये है कि आपका हार्ट बनता कब है, बनना कब स्टार्ट होता है, बीट कब करता है, ये इंपॉर्टेंट है।
और बनता कैसे है स्प्लेनिक मेजरम से बनता है, ये वाला चीज़ टू मच इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक फर्स्ट एड की बुक की रीडिंग है तो दूसरा लेक्चर करके फिर मैं तीसरे लेक्चर में फर्स्ट एड की बुक रीडिंग करा दूंगा, ठीक है? दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लें फिर बाद में फर्स्ट एड की रीडिंग, ओके? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास डिसमिस। एक ही चीज होती है दोनों, आप कहेंगे ये फिर कैसे बनते हैं, आप इसमें स्प्लेनिक मेजोडर्म लिखिए इसको, क्योंकि जो कार्टिजेनिक मेजोडर्म होती है बेसिकली बनती है उसी से है, वो उसकी डेरिवेटिव है, ठीक है? कार्टिजेनिक मेजोडर्म किससे बनती है? स्प्लेनिक मेजोडर्म से बनती है, स्प्लेनिक लेटर मेजोडर्म से बनती है, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज क्लास डिसमिस।